लखनऊ में पोस्टर वॉर जारी है। अखिलेश यादव का पोस्टर लगने के बाद अब बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के पोस्टर लखनऊ के प्रमुख स्थानों पर लगे हैं। इस पोस्टर में यूपी के मंत्री संजय निषाद को 27 के खेवनहार बताया गया है। जी हाँ, हाल ही में अखिलेश यादव के पोस्टर लगे थे जिसमें उन्हें 27 का सत्ताधीश बताया गया था। अब इस पोस्टर वॉर के बीच संजय निषाद ने इस पर क्या कहा, सुनिए। भगवान राम को पार उतारे थे और हमने तो सबको पार उतारा, किसी को छोड़ा ही नहीं, सपा बसपा कांग्रेस को, लेकिन उसने मझधार में छोड़ दिया। आज के दिन में किसी व्यक्ति ने, आज के दिन में आप देखे होंगे निषादों का वोट तो लेते थे, कभी कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री और कोई व्यक्ति बगल में बैठकर बातचीत करना भी गुरु नहीं समझते थे। वो लोग यही समझते थे कि निषाद राज नहीं है, क्योटा मल्हावा बिंदवा कश्यप कह रहा है। आज सम्मान सहित निषाद जी कह के पुकारते हैं और डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज के रूप में गले लगाकर इनकी समस्याओं का समाधान भी करते, इसी की देन है। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। वहीं एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी ने भाजपा से नाराजगी की खबरों के बीच बड़ा बयान दिया है। कोर कमेटी में तय हुआ कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन्हें जिताना है, किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं, और मैंने उनको बता दिया क्योंकि कोर कमेटी एक वर्किंग कमेटी होती है, उनको सही सही बात पता रहे। तो जो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई वो सारी बातें कोर कमेटी को बताना आवश्यक था कि ये बिंदुओं पर चर्चा हुई है और इसमें सहमति बनी है, ये इसको लागू कराने के लिए आपको साथ में रहना अनिवार्य है। कोर कमेटी के लोगों को बता दिया कि भाई आरक्षण के मुद्दे पर तय हुआ कि हम आगे बैठ कर बात करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे, उस पर होगा। आपके समायोजन से संबंधित मामले हैं, मुकदमे वापसी से संबंधित मामले हैं, फिर आगे 2027 में अभी हम लोग जीत लाएंगे तो जीत के लाएंगे तो हम सम्मान भी प्राप्त करेंगे, ये तय हुआ। इसलिए कोर कमेटी के लोग बुलाए गए कि हमारे जो मंडल कमेटी के लोग हैं और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हम बताकर सही, चूंकि सही सही बात कार्यकर्ता तक पहुंचाना आवश्यक है। क्योंकि विपक्ष के पास एक सिस्टम है कि नरेटिव बहुत सेट करता है, वो कहता है ना कि यह हो गया वो हो गया, झूठे कहते हैं कि अपने बेटे की टिकट मांग रहे थे। हम तो एक ही मांग है शुरू से, चाहे मीडिया में मांग हो, चाहे बैठ के मांग हो, चाहे कह के मांग हो, कि भाई हमारे मुद्दे वही है जो हम, जिसके लिए हम अपना घर द्वार छोड़े हैं, अपनी जिंदगी को बलिदान दिए, पिताजी देश के लिए दिए थे, अपने समाज के लिए दिया, तो ये हमारे आरक्षण के मुद्दे प्रथम है, वो भाजपा को हल करना ही होगा। बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी जिसका सीधा मुकाबला भाजपा से होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.